इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आपको पता होगा कि 3 दिसंबर यानी कल करीब 10 बजे सीएलसी चौक सीकर के पास राजू ठेठ पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग करके उसको उसकी हत्या कर दी थी। राजू ठेठ रूपनगढ़ पुलिस दातारामगढ़ जिला सीकर का निवासी और हाल सीएलसी के पास पिपराली रोड पे ये रहता था और साथ साथ जब ये बदमाशान थे भागते वक्त एक ऑल्टो गाड़ी में एक व्यक्ति खड़े थे बाहर अपने गाड़ी के पास। गाड़ी को चाबी छीनने के चक्कर में जब विरोध किया तो उस सिटीजन को भी जो आम सिविलियन थे ताराचंद पुत्र तुलसाराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी दोतीदा पुलिस थाना खाटू जिला नागौर इनके भी लगने से घायल हो गए ये और इनको जब रेफर किया तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य व्यक्ति कैलाश चंद्र पुत्र हरिशंकर जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी राधा किशनपुर पुलिस थाना उद्योग नगर जिला सीकर के पैर में भी गोली इन बदमाशों ने मारी। इनका अभी एसके हॉस्पिटल सीकर में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जिला सीकर की टीम जिला पुलिस अधीक्षक श्री राष्ट्रदीप के नेतृत्व में एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी टीमें बनाई। आईजी रेंज जयपुर श्री उमेश दत्ता भी अपनी पूरी टीम लेके सीकर पहुंचे और इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और दूसरे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो उनके पास आती गई जो इंटेलिजेंस आती गई उसके आधार पे इन बदमाशों का पीछा करते रहे। और जब आपको ध्यान होगा कि कल जब ये नीमका थाना झुंझुनू की दिशा में इनके भागने का जब पता चला तो नीमका थाना की तरफ ये सारी टीमें रवाना की गई एसपी सीकर और एसपी झुंझुनू की जो टीमें हैं वो भी रवाना की गई। और उस समय करीब दोपहर 1 बजे बबाई के पास डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की जो टीम थी यानी खेतड़ी थाना पड़ता है वो वहाँ ये भागते हुए गाड़ी में इन्होंने फायर किया और जो ये फायर किया इसके बाद ये हड्डिया होते हुए बागोली नदी में उतर गए जहाँ जिला पुलिस सीकर और झुंझुनू की लगभग 15 टीमों ने बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में हड्डिया काकरिया सुरपुरा बागोली पापड़ा नयावास हरिपुरा इत्यादि आसपास के गांव में सर्च अभियान सघनता से चलाया गया। आईजी रेंज जयपुर पुलिस अधीक्षक सीकर पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ये सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान रात भर चलाते रहे और इस तलाशी अभियान का नतीजा यह रहा कि इन पर लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में सफल नहीं हुए जो कि इनका प्रयास लगातार था कि किसी तरह रात के अंधेरे का फायदा उठा के ये हरियाणा में प्रवेश कर जाए। लेकिन इतनी तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला दोना क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है तो सराय हरियाणा डाबला सयालो दड़ा थाना पाटन के नज़दीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे और रात को करीब करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बच्चिया पुत्र पप्पूराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी जोरावाली ढाणी थाना नीमका थाना शहर और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर उम्र 28 साल निवासी बामरडा जोड़ा थाना खंडेला इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी करीब करीब जो कोटपुतली की
और नीम का थाना की जो टीमें थी उन्होंने करीब 100 पुलिस कर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो भागना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये पकड़े गए। इसके बाद तलाशी चलती रही, बाकी तीन मुलजिम अभी भी पुलिस की तरफ से दूर थे। रात भर ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और उसके बाद पता चला कि डाबला नदी व आसपास की पहाड़ियों में कई टीमें जो चल रही थी वहाँ और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा। ये देखिए ऐसी घटनाओं में अगर गांव वालों की और पब्लिक की सपोर्ट नहीं रहती है तो बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं और ज्योग्राफिकल लोकेशन ये जो पहाड़ियां हैं गांव पापड़ा गठला कला गुड़ा पोंख पचलंगी ये इस तरह का ज्योग्राफिकल एरिया अगर आपने किसी में देखा होगा तो ये बड़ी विचित्र एक ज्योग्राफिकल टेरेन है जिसमें अगर अपराधी छुप जाते हैं तो पुलिस के लिए ढूंढना मुश्किल है और जब तक गांव वाले और आम आदमी उसमें कोई सहयोग न करें सूचना न दें तो बड़ा मुश्किल रहता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान पुलिस के साथ आम जन ने और पब्लिक ने काफ़ी सहयोग किया और समय समय पर जो सूचनाएं मिली उसका नतीजा ये हुआ कि माला खेत के पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग सतीश पुत्र महिपाल जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी डाडवा थाना बाठड़रा हरियाणा, दूसरा जतिन पुत्र रतन सिंह जाति कुमार 24 वर्ष निवासी डाडवा थाना बठड़ा हरियाणा, इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह पर फायरिंग की। इस फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की तो ये दोनों इंस्पेक्टर बाल बाल बचे और बचाव में पुलिस ने भी इनको इन पे फायर खोला और सतीश और जतिन के भी गोली लगी है और वो घायल हैं और एक इनके साथ बाल आबचारी था और चूंकि बाल आबचारी है उसका नाम हम उजागर नहीं करेंगे प्रेस में उसको भी निरुद्ध किया गया। यानी 5 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे जिनका सीसीटीवी फुटेज में 4 लोगों का दिखना पाया गया है और एक का जो सीसीटीवी फुटेज में नहीं है लेकिन वो भी घटना में आसपास है, ये 5 जो मुलजिम 4 मुलजिम और एक बाल आबचारी ये पुलिस की गिरफ्त में है डिटेन्ड है, इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और इंट्रोगेशन के बाद क्या इनको किसने भेजा, क्या इनकी इनका मोटिव था, क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका क्या नेटवर्क है, उन सभी बातों पे गहन तफ्तीश पुलिस की टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की जाएगी आईजी रेंज के सुपरविजन में वो पूरा इस पे गहनता से तफ्तीश की जाएगी और आगे पूरी की पूरी जो कड़ी है इसमें हम अंतिम जो भी लोग होंगे प्लानिंग में अगर कोई हैं तो उन पे पुलिस पूरी तरह से पीछे पड़ेगी और हम इनको शीघ्र पूरी कहानी को उजागर करेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे। धन्यवाद। सर कारण क्या रहा इसके पीछे, ये इतनी बड़ी वारदात क्यों की गई, राजू शेट को क्यों मारे इन लोगों ने? देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी हमारे गिरफ्त में वो लोग आए हैं जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है। क्राइम को कई बार अंजाम देने के डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, अगर इन्होंने अपने आप ही कोई दुश्मनी के कारण किया है निजी दुश्मनी के कारण वो तो अलग बात है, लेकिन अगर इंट्रोगेशन में ये बात आती है पूछताछ में ये बात आती है कि ये किसी के कहने पे किया तो जिसके कहने पे किया उसका क्या मोटिव था उसके लिए पुलिस को इनके इंट्रोगेशन की इनकी रिमांड की जरूरत पड़ेगी, जो लिया जाएगा इंट्रोगेशन किया जाएगा और आगे जो भी इनके लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा है इन्होंने प्लानिंग की है उनके बारे में कहानी उजागर की जाएगी, वो एक तफ्तीश का विषय है। देखिए जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके बारे में क्या सच्चाई है ये तफ्तीश के बाद ही पॉसिबल है, मैं बार बार ये आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लेम करने को कोई भी कर सकता है एक बार, लेकिन वो तफ्तीश का विषय है और वो जब अगर नाम आएगा जो भी आएगा वो आपके सामने होगा। जो पकड़े गए उनके अपराधी किस प्रकार के विदेशी हथियार उनके पास मिले? ये विदेशी हथियार टर्की और चाइना के मेक हैं
और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं, और इनके पास जो राउंड टोटल मिले हैं वो 183 राउंड्स इन इन पांच हथियार हैं और 183 राउंड्स हैं 9 mm के, जिसमें 123 राउंड्स पुलिस ने रिकवर किए हैं। 52 राउंड सीकर में फायर हो गए घटनास्थल पे, 3 बबाई में फायर हुए और 5 जो हुए वो आज सुबह जो पकड़े गए, 3 मुलजिम और 1 बाल आबचारी वहां। तो टोटल जो राउंड थे 183 और पुलिस के कब्जे में 123 एमुनिशन राउंड 9 mm के। सर आप एक रिकॉर्ड है कि आपको रेस्ट जो होता है क्या वो भी कोचिंग हॉस्टल में ही यहीं रह रहा था? किसकी बात कर रहे हैं? सतीश की आपने एज ग्रुप बताई है 14 इयर्स, तो वो भी हॉस्टल में ही रह रहा था जो 40 साल का आरोपी है? 40 साल का आरोपी इसमें नहीं है, हॉस्टल में नहीं है। सर ये किसी गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था? सर बात आ रही है कि उन्होंने एक ऐसे गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था, सर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारे दूसरे जो एंगल है, क्योंकि ये प्रारंभिक डिटेल किया है और आप लोगों के सामने और आम जन के सामने ये बात आनी जरूरी है कि इस घटना बड़े घटनाक्रम में जिसमें 2 हत्याएं हुई हैं उसका उसके बारे में अभियुक्तों के बारे में डिटेंशन का उजागर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों से तुरंत बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत सी चीज़ें तफ्तीश में आएंगी, वो तफ्तीश का समय हमें जब मिलेगा बिल्कुल वो आपके सामने हूबहू जो भी तफ्तीश में होगा वो आपके सामने। सर बाल अपचारी के भी लगी है क्या? बाल अपचारी की बोले नहीं होती। सर जब भी कोई शेखावाटी में गैंगवार हुआ है कोई भी एक्शन हो उसका रिएक्शन जरूर हुआ है, अब से पहले भी जो घटना है उसका बदला जरूर लिया गया है, तो क्या राजू ठेठ का बदला लेने की कोशिश हो सकती है और उसको रोकने के लिए पुलिस का क्या प्लान है? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत सी चीजें गैंग्स के सफायों के लिए, गैंग्स के पीछे पड़ने के लिए हिस्ट्री शीटर्स हार्डकोर्स ये लगातार PHQ के अभियान चलते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने PHQ से अभियान क्राइम ब्रांच ने चलाए थे जिसमें चिन्हित करके हिस्ट्री शीटर्स जो भी एक्टिव हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो यंग हिस्ट्री शीटर्स हैं, हार्डकोर अपराधी हैं, उनको एक एक को चिन्हित करके और लगातार उनका पीछा करते हैं। लेकिन इतने बड़े स्टेट में आपको ध्यान है कि घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को राजस्थान पुलिस ने खोला है, उजागर किया है, मुलजिमों को अरेस्ट किया है। सर इतनी बड़ी घटना, सर इतनी बड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मेल, इंटेलिजेंस को पता नहीं था इतनी बड़ी घटना हो गई दिन दहाड़े। सर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मेल लिखा था 23 फरवरी। हर बार देखिए हर बार आसूचना और इंटेलिजेंस पे हम लोग नहीं टाल सकते, बहुत सी घटनाएं जो हैं। अब आप देखिए, आप एक सिनेरियो देखिए, 1 महीने से ये छात्र बन के रह रहे थे, जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई, अब कोचिंग संस्थाओं के अगर टी शर्ट पहन के चारों व्यक्ति अगर घूमे छात्र बन के और रोज उस व्यक्ति के घर जाए और वहां धोख दें, तो जिस तरह की प्लानिंग है ये कोई इंटेलिजेंस से नहीं आ सकती है चीजें। ये तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी कोचिंग संस्था है यहां और स्टेट में दूसरी जगह भी कुछ इस तरह के जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके होने चाहिए कि जो भी हॉस्टल में एडमिशन लेता है, जो भी इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेता है, उसका अगर उनको लगता है कि एक सर्टन एज से ऊपर आदमी बच्चा है, अब अगर 26 साल का व्यक्ति को आप अगर हॉस्टल में एडमिशन दे रहे हैं जो कि नीट का एग्जाम ही देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एडमिशन देने के सिस्टम में कहीं चूक है, उसको हम इनसे बात करके वो जो लूप होल है उनको बंद कराएं। सर द डिसीज हैड रिटन मेल टू द IG CMO ऑन 23 फरवरी बट स्टिल नो सिक्योरिटी गिवन टू द एक्यूज्ड, एनी स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट? सर सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट इज डन वेरी मेटिकुलसली बाय द इंटेलिजेंस ब्रांच एंड देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू थ्रेट असेसमेंट एंड वेरियस एंगल्स आर असेस्ड बिफोर any person can be considered for security cover. The intelligence branch works on the report of various agencies, district police, and to their mind and to their assessment,
he was not a fit case for assessment for security cover, because he was alleged to have kept private security guards with him, and a person who has had criminal record of that sort in any case is very careful himself. So we did not find any reason to give him security. सर एनआईए की टीम भी आई है, उन्होंने सर लॉरेंस बिश्नोई के लिए कस्टडी भी मांगी है जेल से, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। सर डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस बात को माना है कि ये प्राइमा फेशिया एक्ट ऑफ रिवेंज लग रहा है, अब तक आपकी जांच में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रडार पे है, क्योंकि सुभाष बानूड़ा का नाम आ रहा है, सुभाष बराल का नाम आ रहा है और भी लोगों का नाम आ रहा है इसके अंदर, आप क्या इसको एक्ट ऑफ रिवेंज मांग रहे हैं सर रतन देशिया? Prima facie, yes, that seems to be the case. लेकिन जितने भी नाम आ रहे हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन कि इनमें कौन असली इसका इसका सूत्रधार है, अगर है तो कोई। सर सर पहले भी सिकर में 2017 में सरदार राव की हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई और जो जेल में बैठे थे उन लोगों की भूमिका थी, तो इसी में भी कहीं ना कहीं बड़ा ऐसा लोग को लग रहा है कि वहीं से टारगेट दिया गया है, तो इसको लेकर कोई विशेष जेलों की सुरक्षा और जो चीजें हैं उसको लेकर? निश्चित रूप से जेलों की सुरक्षा एक एक अनवरत प्रक्रिया है, उसके सुधार की भी एक अनवरत प्रक्रिया जेलों में कि किस तरह से जो जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, सिम कार्ड्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो जेलों में जाने नहीं चाहिए, हथियार नहीं जाने चाहिए, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। होम डिपार्टमेंट और जेल विभाग इस बारे में लगातार चिंतित रहता है और प्रयास भी करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक सिम एक ऐसी चीज है, इतनी छोटी सी चीज है कि वो किसी भी रूप में छुपा के अंदर ले जाई जा सकती है, तो वो कई बार अंदर चली जाती है और उससे कई बार दिक्कत होती है, जो जिस तरह के क्राइम होते हैं, जिस तरह का थ्रेट्स और एक्सटॉर्शन कॉल्स जेल से कई बार होते हैं, तो लेकिन इसमें गंभीरता से पुलिस भी लगातार रेड देती है जेल विभाग के साथ मिलकर, और कई बार उस रेड में इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सिम्स ये रिकवर भी करते रहते हैं, ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। रवि जी, चूंकि जो 5 आरोपी आपने गिरफ्तार करे हैं, उनमें से कितने घायल हैं, उनको उपचार के लिए जयपुर रेफर किया जा रहा है? गिरफ्तार नहीं है, अभी डिटेन्ड है, उनको अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी डालेंगे। 2 घायल हैं क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायर किया, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी उन पे फायर किया, उनकी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। सो 2 सीकर वाले हैं या हरियाणा वाले हैं? जो घायल हुए हैं वो हरियाणा वाले हैं दोनों। सर प्रोसेस में जो हरियाणा के शूटर्स डिटेन किए गए हैं, क्या उनका एनसीआर में भी कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उनका किसी पुरानी गैंग से कोई ताल्लुका? वो पता करना, वो अभी पूरा रिकॉर्ड ले लेंगे, अभी एक्चुअली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको मेडिकल एड दिलवाना, उसका फिर उसके बाद सारी वो टीमें हमने लगा दी हैं, उनका डेटा पूरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। ये एक बार जिस तरह का अभी दोनों बॉडीज का डिस्पोजल नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा अटेंशन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस सिचुएशन पे है। एक बार उससे फ्री होंगे फिर ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे। परिवार वाले धरने पे बैठे हैं सर, ताराचंद के भी और राजू ठेठ के भी, बोल रहे हैं कि प्रशासन से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान था ताराचंद जो, उसकी बेटी वहां पे पढ़ रही थी, तो आर्थिक सहायता की मांग करिए, प्रशासन ने अब तक कोई बातचीत का सर आगे हाथ नहीं बढ़ाया सर? नहीं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, जिला कलेक्टर बिल्कुल संपर्क में है उनसे, उनकी पूरी टीम बात कर रही है और SP साहब और IG साहब भी लगातार उन लोगों से संपर्क में है, और जो भी एज पर लॉ जो मुआवजा मिलता है ऐसे केसेस में, वो मुआवजा तो निश्चित रूप से एज पर लॉ मिलेगा ही, और भी जो भी मदद मेरे ख्याल से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के स्तर पे होनी है वो होगी, और मुझे बताया गया कि शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ मदद करने की उन्होंने पेशकश की है, वो उसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट ही पूरा बता पाएंगे क्या मदद कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं CCTV में, लेकिन एक जो 5वां आप बता रहे हैं उसका रोल क्या है? देखिए जैसा मैंने बताया, ये पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन अभी होगा, कौन किस किस का क्या एक्ट था इस पूरी घटना में, कौन फोटो ले रहा था, कौन वीडियो बना रहा था, किसने गोली चलाई, किसने कितनी गोली चलाई,
दैट इज अ मैटर ऑफ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, वो होके पूरा फाइल में एक एक चीज आएगी, वो अभी मेरे लिए बताना संभव नहीं है। सर, आरोपियों के मोबाइल में कोई ऐसे वीडियो मिले हैं जो घटनाक्रम के उन्होंने बनाए हैं? अभी वो फुटेज देखा नहीं उनके मोबाइल से, अभी देख नहीं पाई है पुलिस। मेहता साहब, चूंकि कल रात को ही आपने डिटेन करा है, पूछताछ अभी ज्यादा हुई नहीं, लेकिन इसके पीछे, इन पांचों के पीछे किसका हाथ लग रहा है? क्योंकि कई गैंग से दुश्मनी थी राजू ठेठ की, तो उसके पीछे प्रमुख कौन सी गैंग का हाथ है? देखिए, ये प्रश्न तो दो तीन बार दोहराया जा चुका है और मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ। ये तफ्तीश का विषय है, मुझे अभी नहीं पता कि किस गैंग का हाथ इसके पीछे, और ना तो मैं इस तरह का कोई गेस हैजार्ड करना चाहूंगा कि इस बारे में कोई ऐसी जानकारी आपको दूं जो बाद में गलत निकले। तफ्तीश का विषय। गैंग्स में वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये तो एक नेचुरल बात है। थैंक यू।